बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है जी, अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इस्लामाबाद वालों, जो इस्लामाबाद में से जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो नीचे कमेंट लाजमी कर दें। और जी उठ गए जी, ये पीछे होटल है जहाँ पर हमने रात को स्टे किया, जहाँ पर हमने अपनी रात गुजारी है। और अब जी आ गए सारे गाड़ी की तरफ, और ये जी व्लागर भी शुरू हो गए हैं अपनी वीडियोज बनाने के लिए। तो जी गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं जी, जाकर हम मज़ेदार नाश्ता करते हैं जी। ओए ये क्या, ये क्या, ये कुछ नहीं, क्या हुआ आपको? मुझे? हाँ, उइ पैंट शर्ट पहनी हुई है बच्चे ने। भाई मम्मी डैडी बन गए हम यहाँ पे आ गए। क्या बन गए हो? मम्मी डैडी। क्या बन गए हो? मम्मी डैडी। क्या बात है, आपके सारा मम्मी डैडी बन गए हैं। इस्लामाबाद आती मम्मी पैंट ऐसी लग रही है। चले जी, हमारे साथ हमारी रात तो मजे की गुजरी है, बहुत मजा आया जी। जी शहजादे, ये बताओ रात को नींद आई थी आपको? बहुत अच्छे से आई थी आपको? आई थी क्या रात को नींद आई थी जनाब? आपको नींद आई थी रात को? कैसी गुजरी आपकी रात इस्लामाबाद में? अच्छी गुजरी है। चले जी बस गाड़ी निकालते हैं, सारे मेरे इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं जी आप ब्लॉक के चक्कर में रुक गए हो। वही गाड़ी की चाबी मेरे पास है, तो बैठते हैं ड्राइविंग सीट पर, बैठ कर गाड़ी निकालते हैं और जी चलते हैं सीधा नाश्ते वाले पॉइंट की तरफ। वो सारे ना लड़ाई कर रहे हैं कि आगे कौन बैठेगा, आगे कौन बैठेगा। जी आपके भाई ने तो ड्राइव करना होता है गाड़ी को, इसलिए हमारा तो किसी के साथ कुछ झगड़ा बनता ही नहीं है। अच्छा जी, मसले से नाश्ता आ गया, चने और नान और रोगली नान कहें, भाई को पराठे कहें, वो थोड़ी देर तक ला कर देते हैं। अच्छा जी, तकरीबन कोई 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम जी पहुंच चुके हैं मरी में। तकरीबन अभी कोई 10 किलोमीटर हम पीछे हैं माल रोड से, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा पेट्रियाटा चेयरलिफ्ट पर बैठने के लिए। तो यहाँ से तकरीबन पेट्रियाटा जाने में हमें टाइम लगेगा तकरीबन कोई 25 मिनट तक हम जी चेयरलिफ्ट पर पहुँच जाएँगे, जाकर टिकट लेते हैं और जी चेयरलिफ्ट के ऊपर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। पहले भी काफ़ी देर बैठा हुआ, बहुत मज़ा आया। तो आज फिर जी इन शक्लों के साथ हमें चेयरलिफ्ट पर बैठना होगा। हाय, ये क्या पहना हुआ आपने? कच्चा। अच्छा ठीक हो गया जी, देख लिया मरी, यही है मरी? हाँ मरी देख लिया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है बहुत। पक्की बात है, पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा फिर आप? आप अपनी फीलिंग बताएं। अच्छा भी आप कर साहब, आप कर साहब को भी अच्छा फील हो रहा है जी। और जी फिर दोस्त गए जी वाटर लेने के लिए, क्योंकि हमारा हलुक सूख गया है गाड़ी चला चला कर और इन पहाड़ों को देख देख कर। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी पेट्रियाटा चेयरलिफ्ट के ऊपर, और अब जा रहे हैं जी ऊपर, जाकर चेयरलिफ्ट पर बैठते हैं। अल्लाह करे रश ना हो यार, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, इतना ज़्यादा रश की वजह से हमें चेयरलिफ्ट के ऊपर नहीं बैठना पड़ा, हम ऐसे चले गए थे वापस। एक दफ़ा फिर रश में बैठे थे और रात के हमें 10 बज गए थे, और कार पार्किंग वाले कह रहे हैं कि ये पार्किंग 8 बजे तक है, तो प्लीज़ आप 8 बजे तक आ जाएँ। माशाल्लाह से यहाँ का व्यू देखें, कितना ही हसीन, दिलकश और प्यारा मंज़र है माशाल्लाह। और ये शक्लें जी तस्वीरें बना रही हैं। चेयरलिफ्ट पर बैठने के लिए ना रश देखा हमने, तो हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया कि जी हम चेयरलिफ्ट के ऊपर नहीं बैठते क्योंकि इतना ज़्यादा रश है। लेकिन फिर हमने सोचा यार इतनी दूर से हम आए हैं, कुछ 10 घंटे ट्रैवल करके, तीन घंटे दो घंटे हम वेट ना करें चेयरलिफ्ट पर बैठने के लिए, तो मज़ा तो नहीं आएगा। तो फिर आखिरकार आधा घंटा सोचने के बाद हमने टिकट्स ले लिए हैं, अब जी चलते हैं। ये जी लाइन लगते हैं वो एंड तक, फिर जाकर जी हमें चेयरलिफ्ट पर बैठने के लिए जगह मिलेगी। और हाँ जी, हमारी तस्वीरें बनाओगे शहजादे? क्यों नहीं बनाएंगे, बहुत साफ पहले बनाएंगे ना। कैसी बनाओगे? ऐसे बनाएंगे जैसे दिखा रहे हो, ऐसी होंगी या नहीं? ऐसी होंगी बेफिक्र। पक्की बात है? कितने में बनाएंगे सर? 200 की है।
ये साथ देंगे प्रिंट निकाल के साथ फ्री आएगी पैसे और कॉपी के होंगे दोस्तों। अच्छा कोई रियायत करें हम बंदे ज्यादा हैं भाई प्राइस फिक्स है दोस्तों। करें सर वो रेट लिखा हुआ है रियायत करें सर प्राइस चेक कर लें चलिए अच्छा बनाइएगा देखेंगे फिर ओके अगर पसंद आए तो लेंगे वरना नहीं लेंगे ठीक है। बस ये सर आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर हमें तस्वीर पसंद आ गई तो हम आपसे लेंगे ना ही तो फिर हम पाबंद नहीं होंगे लेने। वो भी आप मीडिया को दिखा देना। हाँ बिल्कुल जी 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 बिल्कुल दिखाएंगे। चलो जी आ जाओ जी शहजादे सारे अपने अपनी टिकट पकड़ो। पैंट शर्ट वाले चाचू मेरे टिकट मुझे दो जी ये लें शहजादे एक 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 अपनी पकड़ो आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये लो अपनी टिकट ये जी ऐसे लाइन में लगना है हमने तो आखिरकार। अच्छा यार थोड़ी बहुत हवा लग रही है वैसे मैंने जैसे सोचा था ना कि गर्मी होगी गर्म हवा लगेगी चलो पहुंच जाते हैं जी। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद तकरीबन 15 मिनट के बाद हम भी चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठ जाएंगे। ये देखें जी सामने लगने इसका नज़ारा ये है कि इस तरह से जाकर वो फिर आना पड़ेगा आगे चेक करें तो इंशाल्लाह 15 मिनट तक हम चेयर लिफ्ट पर पहुँच जाएंगे। चेक गेट जी क्या सीन है जी मेरा नंबर लग चुका है चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए चेक करें जी माशाल्लाह से क्या ही नज़ारा है ओए होए ओए होए आपके भाई की भी चेयर लिफ्ट आ गई है और आपका भाई अकेला ही जा रहा है ओए होए ओए होए ओए होए अंकल जी आप तो नीचे आ जाओ क्या बात है जी मैं ही शहजादा हूँ जो कि अकेला बैठ के जा रहा हूँ ओए होए ओए होए ओए होए क्या बात है जी बड़ा ही मज़ा आ रहा है जी चेक करें जी शश के ओए होए ओए होए क्या बात है ओए होए ओए जी वाह जी वाह क्या मज़े का सीन है जी। मुझे टेंशन हो रही है कि जो बच्चे हमारे साथ हैं ना उनको ना डर लगे हुई हुई इस जगह से ना बहुत डर लग रहा है यकीन करें कि जैसे चल रही है कि नीचे ना चली जाए। अल्लाह अकबर चलें जी बिल आखिर मैं तो यूज़ हूँ ना क्योंकि पहले मैं 3-4 दफ़े इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ इसलिए मैं इजीली और कंफर्टेबल बैठा हूँ और जो शहजादे हैं ना मेरे उनकी मुझे थोड़ी सी हो रही है कि उनको ना डर लगे। चलें जी अल्लाह खैर करेगा लेट्स सी चेक करें जी नज़ारे अब ऐसा ऐसा ये ना ऐसे ऊँची होती जाएगी। शहजादे मज़ा आ रहा है अच्छा जी ज़बरदस्त माशाल्लाह क्या ही नज़ारे हैं जी वाह। अच्छा मेरे पीछे ना फिरदौस और मेरा छोटा भाई महबूब बैठे हैं मैं ना उनको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ ना है तो रिस्क वाली बात के इस तरह से बैठे हुए हुई 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 उनको दिखाऊँ लेकिन फिर भी दिखाऊँगा किधर हैं वो बैठे हैं नज़र आ रहे हैं आपको ये देख मैं समझा माशाल्लाह से सीन नज़ारे हम कितनी बुलंदी पर हैं जी वाह और यह ऐसे ऐसे पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं हम बहुत मजा आने वाला है जी। हेलो ये देखें जी ये फिर दोस्त और मेरे भाई महबूब ये बैठे हुए हैं जी चेक करें उसके पीछे फिर दूसरा कज़न और मेरा बड़ा सॉरी इससे बड़ा जो महबूब बैठा नहीं इससे बड़ा भाई बैठा हुआ है। अच्छा जी ये पॉइंट आ गया जहाँ पर हमने जी उतरना है ठीक है जी हमारी बारी अब आ गई है उतरने की तो सबसे पहले मैं उतर जाऊँगा पीछे जो दो आ रहे हैं ना तो उन दोनों की वीडियो मैंने बनानी है ठीक हो गया जी और वापसी पे जाते हुए उनको आगे भेजूँगा फिर वो मेरी वीडियोस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन घोड़ों के ऊपर बैठते हैं सैर शैर करते हैं कोई गेम शेम खेलते हैं जी। अभी फ़िलहाल हमारा टाइम हो गया जी आवर यहाँ से हम उतरने वाले हैं जी उतर जाओ भैया आपका बारी आ गया।
यार हम ऊपर आ तो गए हैं लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी एंजॉयमेंट वाली जगह नहीं है। ये जो केबल कार है जी, ये भी जी बंद है, पता नहीं क्यों बंद है। मैं चौथी दफ़ा आ रहा हूँ, ये बंद है, पता नहीं इसको हमारे साथ मसला है, ये बंद होती है, पता नहीं इसको हमारे साथ कोई मसला है या ये होती ही हमेशा बंद है। तो मैं सोच रहा हूँ इधर गर्मी है, देखें सूरज सर के ऊपर खड़ा है यार, बादल भी हैं लेकिन साथ साथ गर्मी भी अच्छी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वापस चलते हैं। और अल्लाह का शुक्र है जी, वापस जाते हुए यहाँ पर कोई रश नहीं है, बस 5 मिनट तक हम पहुँच जाएँगे। और वापस जाते हुए ना हमें डर बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम नीचे जाएँगे और सारा मरी सारा व्यू हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ये तस्वीरें बना रहे हैं भाई जान, फिर दोस्त आ जाओ चलें, फिर आ जाओ चलें, आ जाओ। कह रहे जी माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत और प्यारा व्यू है, और हम बैठ गए हैं जी वापसी के लिए, और यहाँ से हमें पूरा मरी नज़र आने वाला है जी। देखें माशाल्लाह से क्या ही नज़ारे हैं जी माशाल्लाह से। अब हम ऊंचाई से उतराई की तरफ जाएंगे नीचे, और साथ से भाई गुजरे हैं, वो पूछ रहे थे कि जी आप किधर जा रहे हो, ठीक है जी। और देखें यार कितना मुश्किल काम है, कितनी ऊंचाई के ऊपर बैठकर कैमरा हाथ में पकड़कर व्लॉग बनाना, और फिर भी आप लोग सपोर्ट ना करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो यार, फिर बात तो अच्छी नहीं है ना। तो अभी हम जाते हैं नीचे, जाकर फिर कुछ खाते पीते हैं, और पहले मैं आगे आया था, अब मैं सबसे पीछे जा रहा हूँ क्योंकि फिर दोस्त और मुजीब जो मेरा भाई है ज़ीशान वो आगे जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आपने आगे जाकर आपने मेरे लिए वीडियो बनानी है। शहजादे मज़ा आ रहा है? अच्छा जी, एक मासूम बच्चा अकेला बैठा हुआ था, क्या धीरे जी चेक करें जी माशाल्लाह से, ओए होए इतनी ऊंचाई पर हैं जी हम। अच्छा अभी हमें जी पेट्रेट है चेयर लिफ्ट के ऊपर, मेरा जो गर्दन है ना उसने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, मैंने उसे बताया कि इस जगह का नाम है पेट्रोटा। और ये सामने जो आपको बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पर है जी नथिया गली। ओए अल्लाह, ओए होए, ओह माय गॉड, ओए बताएं आप इतनी ऊंचाई पर डर लगे ना लगे, अल्लाह 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 अल्लाह। देखें कितना बड़ा दिल है जी आपके भाई का, यहाँ से आपको हुई अगर देखते हैं तो डर लगता है। अल्लाह आप लोग भी आया करें यार, थोड़ा सा टाइम निकाल कर, थोड़े से पैसे बचा कर, फिर बुढ़ापे में कौन आता है इन जगहों की सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। देखें ना हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, पहले हम ऊपर आए थे, अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जा रहे हैं नीचे, और बहुत ऊंचाई के ऊपर हैं जी। ओए होए, बस अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। ओए होए, चेक करें जी। अच्छा ज़्यादा ठंड कहाँ पर होगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ पूरे मरी में, ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा ये वाला यहाँ पर, क्योंकि ये है यहाँ पर नथिया गली अयूबिया, और ये सारा आपको नीचे देखने को मिल रहा है जी मरी। मैं चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ इंजॉय करे। टेंशन तो नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हूँ, मेरे जो बच्चे हैं ना इनको आगे डर ना लग रहा हो, ये अकेले आगे ना घबरा रहे हों, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई के ऊपर और नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को भी वीडियो देख के आइडिया हो गया होगा कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं और कितना नीचे जा रहे हैं जी। ओए होए, ओए होए, ओए होए, क्या बात है जी, क्या मज़े हैं। यह सराइकी व्लॉग यूट्यूब पे है, देख लेना। अच्छा यार वैसे यहाँ से नज़ारा देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह क्या कुदरत के नज़ारे हैं जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अच्छा जी हमारा पॉइंट आ गया जी जहाँ पर हमने उतरना है जी, ये सामने है यहाँ पर हमने उतरना है, और जो मेरे उतरने का जो व्यू है ना वो आपको जी फिर दोस्त दिखाएगा, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो अच्छा नहीं आएगा। उसको मैंने कहा कि आप पहले उतर जाना और जाकर मेरे लिए मेरा सीन बना लेना आप।
अच्छा जी, पेट्रियाटा चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठकर जो मज़े लेने थे वो हमने ले लिए हैं। और यहाँ पर कोई और जगह नहीं है खास घूमने फिरने वाली, बस पार्क है, वहाँ पर बैठे रहे हैं, गपशप की है, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की है। और हम आ गए अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी को निकालते हैं और चलते हैं जी, जाकर रूम लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पहले जाकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जी फिर हमारा मूड है जी रात को मार रोड पर जाने का, रात यहीं स्टे होगी, सुबह फिर उठकर देखो हम नथिया गली जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपनी होटल के ऊपर, रूम भी हमने बुक करा लिया जी, बड़ा रूम है। और ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा ना, देखें कितना अच्छा अमेजिंग व्यू है, हमारे रूम के सामने टेरेस है जी, टेरेस से फिर ये इतना खूबसूरत दिलकश नज़ारा हमें देखने को मिलता है जी। ठीक है, सारे बाकी जो हैं वो जाकर रूम में बैठे हुए हैं, चेयर लिफ्ट से होकर सीधे इधर ही आ गए हैं। फिर हमने कहा माल रोड को रात को जाएंगे, थक गए थे खड़ खड़ के बैठ बैठ के, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ी सी उधर जाकर कमर सीधी करते हैं और फिर रात को जाएंगे जी माल रोड के ऊपर, फिर आकर वहाँ से होटल पर आकर जी सो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हो गया जी फिर कल का हमारा प्लान जो है वो हम आपको कल के व्लॉग में ही बताएंगे, एडवांस हमने कोई बात नहीं बतानी। और चलता हूँ आपको एक दो अपने रूम का विज़िट करवाता हूँ। और माशाल्लाह से टेरेस से सामने का ये खूबसूरत और दिलकश व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जी टेरेस है जहाँ पर चेयर्स भी पड़ी हुई हैं, तो ये जी हमारा रूम माशाल्लाह। ये जी देखिए इनको कैसे पड़े हुए हैं सारे, चेक करें जी, ये रूम हमने बुक की है अपने लिए। और आज की हमारी रात यहीं गुजरने वाली है, शायद कल की, कल नहीं कल की रात हमारी कहीं और होगी, देखते हैं जी। हाँ जी बेटा, हाँ ठीक है भाई, मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। कर रहे हैं या नहीं? आप नाक दिखाएं मेरा। आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। पक्की बात है जी। ओके जी, सर आप बताएं। भाई बहुत मजा आ रही है, बहुत सुकून मिल रही है। अच्छा जी, आप जी बहुत मजा आ रहा है, सारे चश में और हम भी चश में जी, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह से हम होटल से निकल कर आ गए हैं जी हम माल रोड की तरफ, और गाड़ी हमने यहाँ पर अपनी पार्क कर दी थी, अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करें। और जी अब चलते हैं सीधा जाकर कुछ खाने के लिए, खाना खाते हैं, टाइम लगभग हो गया तरीका से 8:05। चल कर पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर हम चलेंगे माल रोड। और जी आ गए हमारा खाना, चिकन नहीं खाया क्योंकि चिकन खाने का मूड नहीं था, बहुत मज़ा आने वाला था। अच्छा जी, खाना खाने के बाद मैं आ गया जी अपनी गाड़ी के पास, और बाकी उन्होंने कहा कि चलते हैं माल रोड पर। मेरा भी इरादा था माल रोड पर जाने का, लेकिन मेरे ना सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा जाऊंगा फिर चक्कर आ जाएंगे, तो मैं नहीं जाता तो आप लोग हो आओ। तो उन्होंने कहा फिर आप नहीं जाते तो आप इधर ही रुको, फिर हम कैरी करके जाते हैं, तकरीबन कुछ 4 किलोमीटर है यहाँ से माल रोड। तो वो सारे चले गए और मैं इधर ही हूँ अपनी गाड़ी के पास, मैं नहीं गया माल रोड, और बैठ कर उनका वेट करता हूँ। और यहाँ पर जी मौसम बहुत ही हसीन है, देखें जी वो सारे बादल जा रहे हैं, देखें माशाल्लाह से बहुत ही ठंडा मौसम बना हुआ, बहुत ही मज़े का, बहुत ही रश है। और यकीन करें दिन में तो धूप थी, गर्मी का एहसास था, लेकिन अब ठंडा का एहसास हो रहा है, पता चल रहा है कि हम मरी में आए हुए हैं। पहले हम सोच रहे थे यार ये क्या बात हुई कि हम मरी में भी आ गए हैं, लेकिन पसीना भी हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, धूप वैसे की वैसे है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत मज़ेक बना हुआ है। देखें जी आपको नज़र आ रहे होंगे ये बादल जा रहे हैं जी, उधर देखें जी आगे माशाल्लाह।